सो हेलो गाइज, माय नेम इज अमित। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग HP 15S का, जो कि अभी मेरे नीचे है यहाँ पे, ठीक है। एंड एक हाथ से आज थोड़ा ब्लॉग स्टाइल में करते हैं। एंड ये रॉ वीडियो होने वाला है। रॉ वीडियो जो मैं डालता हूँ उसका मतलब ये होता है कि आपको एक फील देना कि जब आपके पास, अगर सपोज आप ये लैपटॉप खरीदते हो तो जब लैपटॉप आपके पास आएगा तो कैसा आपको फील आने वाला है, ठीक है। तो रॉ अनबॉक्सिंग उसी को होती है। एंड प्रॉपर एक अनबॉक्सिंग वीडियो इसके बाद बनाऊंगा, तो चलो अभी आप इसको एंजॉय करो, ठीक है, आ जाओ। सो ये रहा बॉक्स यहाँ पे, ठीक है। जब ये बॉक्स आया ना, मुझे सबसे एक बेकार चीज़ अभी तक लगी है, जो कि देखो आप यहाँ पे इतना बड़ा बॉक्स है। मुझे लगता तो नहीं है कि इतना बड़ा बॉक्स के अंदर प्रॉपरली लैपटॉप का ही इतना बड़ा बॉक्स होगा। एक आवाज़ सुनो आप, ये ढब। एंड अगर मैं इधर करूँ तो आवाज़ सुनाई दिया आप सबको, लेफ्ट राइट, मतलब ये अंदर में छोटा सा बॉक्स है, ऊपर से इतना बड़ा बॉक्स है। तो चलो उसको फटाफट अनबॉक्स करते हैं। तुम ही कर अनबॉक्स, तेरा ही लैपटॉप है, कर। बाय द वे लैपटॉप इसका ही है। ओ भाई, प्यार से कर, अंदर वाला मत काट देना। तब अब आ चुका है तो कुछ ही दिनों में आपको इसका गेमिंग रिव्यू, एडिटिंग रिव्यू, सारा चीज़ मिल जाएगा। सो उसके लिए वेट करते रहना, ठीक है। एंड बहुत जल्दी जल्दी वीडियोज़ आने वाले हैं इस पर भी, इसका परफॉर्मेंस पे। बाय द वे इसमें राइजन का प्रोसेसर लगा हुआ है। एंड पूरा डिटेल में मैं आपको इसके रिव्यू वीडियो में बता दूंगा सारा चीज़, ठीक है। अभी कुछ कुछ ही आप देख लो डिज़ाइंस वगैरह। रुक जा, मैं कर दे रहा हूँ, इसको फाड़, इसको काट, यहाँ पे काट। आखिर में एक्साइटमेंट इतना है कि ऐसे अनबॉक्सिंग किया जा रहा है। देखो ये है अमेज़ॉन की पैकेजिंग, इतना बड़ा है, इसमें ये छोटा सा भरा हुआ है बस ये। तो ये ओवरऑल पैकेजिंग। एंड बाय द वे लैपटॉप यहाँ है, तो इसको पहले साइड करते हैं, ठीक है। एंड लैपटॉप को रखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है, MS ऑफिस, होम एंड स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर साइड में देखा जाए तो इसका यहाँ पे आई थिंक प्राइस लिखा होगा, जो कि यहाँ पे 47,000 लिखा हुआ है प्राइस, यहाँ पे 47,000 प्राइस लिखा हुआ है, बट वो रियल प्राइस नहीं है। कितने मिला है वो मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में, ठीक है। एंड यहाँ पे पूरा ये सारा जो भी बारकोड है इनका, ओके, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे थोड़े स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें है AMD Ryzen 3 3250 APU है ये। इसमें कोई ग्राफिक्स कार्ड एक्सटर्नल नहीं है, क्योंकि APU है तो इसमें इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल जाता है। 256 GB का स्टोरेज है आपको SSD की, एंड 1 TB का हार्ड ड्राइव मिल जाता है। विंडोज़ 10 इसमें अंदर पहले ही से आता है। एंड 8 GB की रैम है, ठीक है। एंड 15.6 inches का डिस्प्ले है। तो चलो उसको आगे। एंड ब्राइटनेस कितनी है, 250 nits की ब्राइटनेस है। तो चलो अब इसको अनबॉक्स करते हैं। आराम से कर, आराम से, पूरा मत अंदर कर। हो गया, ये अंडा का ट्रे मिला हम लोग को, ठीक है। अब इसमें अंडा रखा जाएगा। एंड फाइनली यहाँ पे कुछ पेपर वर्क आपको मिल जाता है, ठीक है। एंड साथ साथ यहाँ पे लैपटॉप है। तो चलो ये रहा लैपटॉप, एंड फटाफट। सो ये रहा लैपटॉप, एंड पीछे से कुछ ये नीचे से ऐसा दिखता है, काफ़ी मुझे लग रहा है ये मैकबुक एयर वाला डिज़ाइन है नीचे से। एंड कलर भी इसका वैसा ही है, सिल्वर, सिल्वर काफ़ी प्रीमियम लगता है। तो चलो इसे खोलते हैं यहाँ से, यहाँ पे टेप लगा हुआ है, इसे हटाते हैं। ओ भाई, भाई मैक काफ़ी सही है यार, पूरा मैक वाला लुक आ रहा है इसका। नीचे से देखो, नीचे से मैक में सेम ऐसे ही रहता है। एंड यहाँ पे विंडोज़ 10 आपको पहले से देखने को मिल जाता है, बट अभी इसमें विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने का हमने सोच रखा है, तो देखते हैं उसे इंस्टॉल करते हैं कि नहीं। एंड चलो पहला दिखाते हैं आपको अंदर का लुक कैसा है। ओ भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड यहाँ पे देखो राइजन 3 की आपको मिल जाती है, राइजन 3 प्रोसेसर है तो वो लिखा हुआ मिल जाता है। एंड AMD Radeon जो GPU है इसका, मतलब APU है तो GPU उसमें इनबिल्ट है। काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है,
ठीक है, यहाँ पे HP है एंड यहाँ पे ये जो चीज़ है ये पूरे इसके स्पीकर्स हैं। एंड पोर्ट्स की बात करें तो आपको यहाँ पे 3.1 के दो पोर्ट मिल जाते हैं एंड एक चार्जिंग का पोर्ट है ये, हाँ ये चार्जिंग का है। एंड इस साइड अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे टाइप सी है, HDMI है एंड एक LAN केबल के लिए पोर्ट है यहाँ पे। तो ये रहा ओवरऑल लैपटॉप एंड चलो इसको बूट करते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें 12 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाता है, वो तो अभी आया है, इसको यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा इसका बैटरी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कितने देर का बैकअप मिलता है, कैसे यूजेस में डिफरेंट सिनेरियोज में से हम टेस्ट करेंगे। एंड अब चलो चार्ज में लगाते हैं, इसे बूट करते हैं। एंड चार्जर यहाँ पे मिला है जो कि कितने वॉट का है एक बार निकाल के मैं देख लेता हूँ। 65 वॉट का चार्जर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि आई थिंक फास्ट चार्ज करेगा इस लैपटॉप को, 65 वॉट का चार्जर वो भी एक 35,000 के लैपटॉप में। फाइनली बूट हो चुका है, फर्स्ट बूट, एंड चलो सेटअप करते हैं इसको आराम से। सो फाइनली बूट हो चुका है, ठीक है, एंड अब यहाँ से देखो पहला रिफ्रेश अलग ही नशा है ये। अब यहाँ पे जाते हैं दिस पीसी में, ओके, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, आपको मैं अंदर के स्पेक्स दिखा देता हूँ। सो ये रहे, चाहते हो तो अगर आपको पढ़ना है तो आप रोक के पढ़ सकते हो, ठीक है, या फिर सारा सारा चीज़ रहा। प्रोसेसर राइजन 3, रैम 8 GB, ठीक है, एंड रैम हम कुछ दिन में अपग्रेड कराने वाले हैं, इसको 12 GB कर देंगे या फिर 16 भी कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है 16 करना, तो कुछ दिन में मैं 16 ही कर दूंगा इसको, ठीक है। तो ये जो आपको अभी रैम 8 GB दिख रहा है ये कुछ दिन बस 16 हो जाएगा, उसका भी वीडियो लाएंगे, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। तो गाइस ऐसा कुछ लैपटॉप आपको सामने से देखने को मिलता है, आपने बी रोल में तो देख ही लिया। तो इसमें अगर आपको कितने भी वीडियोस चाहिए, जितने भी वीडियोस आपको चाहिए होगा कमेंट करके प्लीज़ मुझे बता देना, मैं एक के बाद एक वीडियो इसमें बनाते रहूँगा, ठीक है। एंड इसमें गेमिंग टेस्ट भी बहुत सारे टेस्ट करने वाले हैं, तो ओवरऑल डिज़ाइन जो है इसका ऐसा कुछ है, ठीक है, काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है, आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे HP लिखा हुआ है एंड सिल्वर है तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को लगता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, एंड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर दो, कमेंट बॉक्स अभी गए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।